टुडे इज़ द सेकेंड डे इन दांडेली एंड हमारी सुबह हो चुकी है एंड वी आर वेरी हंग्री, ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं आपको रिजॉर्ट का टूर करा दूँ. सो लेट्स गो. ट्विग इज़ द रिजॉर्ट नेम. अच्छा, काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड इट्स गुड. सी द व्यू आउटसाइड ऑफ दिस रिजॉर्ट एंड नाउ आई एम टेकिंग यू. यहाँ पे आप बेसिकली कैंपिंग भी कर सकते हो. प्लीज़ कैंप. यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है. कल रात में हमने यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करी है. ये रेडी हो गया लड़का. यहाँ पे झूला है. बसंत से हाय. इसके बाद है ये हमारा दी होम रूम, जो कि सी विंग 4 हमारा रूम नंबर है. एंड दिस एंट्रेंस वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन द नाइट. और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब टेंट डाल के कैंपिंग भी कर रहे हैं. दिस इज़ द प्लेस वेर यस्टरडे वी हैव इंजॉयड द बोन फायर. सो हम पहुंच गए हैं अपने रूम के पास, टी ट्विग C4 एंड दिस इज़ दी बालकनी. एंड यहाँ से ये जो व्यू दिख रहा है ये काफ़ी खूबसूरत है एंड दिस प्लेस इज़ फोटोजेनिक. अब चलते हैं रूम के अंदर एंड दिस इज़ द रूम. हमने ऑलरेडी अपना सामान गाड़ी में रख दिया है क्योंकि वी आर जस्ट वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट, फिर हम निकल जाएंगे. फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी थी हमें, तो यहाँ पे आपको बस ये ऑथेंटिक इडली चटनी और राइस ही मिलेगा ब्रेकफास्ट में. सो यहाँ से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है गोकर्णा ओम बीच. एंड हियर वी फाउंड अ हिडन जेम. तो अभी हम ओम बीच के बहुत पास हैं एंड हमें भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि बहुत ढूंढने के बाद हमें ये वेज रेस्टोरेंट मिला है एंड सोचा कि पहले खा लेते हैं देन हम बीच पे जाएंगे विद फुल ऑफ एनर्जी एंड काफ़ी सारी मस्ती करेंगे. सो यहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस है
तो आप यहाँ पे रुक के खाना खा सकते हो, लंच इज़ वेरी टेस्टी। सो फाइनली हम अपने प्राइम लोकेशन पे पहुँच गए एंड यहाँ पे आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन द बीच, बट उससे पहले थोड़ा बीच वाइब हो जाए एंड मैंने ये थ्रेड लगवा लिया है क्योंकि यहाँ पे 100 रुपीज़ में ऐसे लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बीच वाइब लेना तो बनता है एंड देन हम एक्सप्लोर करेंगे ये बीच। वेलकम टू द ओम बीच वेयर पैराडाइज मीट्स सेरेनिटी। दिस प्लेस इज एक्चुअली वेरी रिलैक्सिंग एंड काम, सो यू कैन स्केप फ्रॉम योर स्ट्रेस एंड यू कैन फील easier and आपको दिख रहा होगा ये कितना खूबसूरत है and यहाँ पे tattoos वगैरह भी करवा सकते हो आप, नमस्ते tattoo, and this is the cafe before that and यहाँ पे dresses वगैरह भी ले सकते हो according to beach vibe you can dress, so let's go and this is the namaste cafe. This cafe is actually very cool and let's explore the beach now. आप aerial view देखेंगे तो ये ओम शेप में बना हुआ है, which is why it is also famous and this is located in the coastal city of Gokarna. So this stone helps and enhances the beauty of this beach and it forms the ओम शेप जिसका aerial view मैंने ऊपर स्क्रीन में लगा दिया है। यहाँ पे सनसेट काफ़ी खूबसूरत होता है तो हम शाम तक रुकेंगे सनसेट शॉट लेने के लिए एंड देन काफ़ी क्लीन भी है ये बीच। काफ़ी सारे राइड्स के लिए भी फेमस है जिसमें से जेट स्कीइंग इज़ द मेन एंड वसंत ने ये ट्राई करा है, इसका प्राइस है 500, तो आप भी ट्राई कर सकते हो, दिस इज़ वेरी एडवेंचरस। So this boat ride will cost you approx 400 to 500 and it will take you for 1.5 hours. So right now we are on the ओम beach और ये काफ़ी ब्यूटीफुल और बहुत क्लीन बीच है और यहाँ पे इसका नाम ओम बीच इसलिए पड़ा है क्योंकि ओम का सिंबल है, इट्स लाइक द शेप ऑफ ऑल दी स्टोन्स भाई एंड अभी सनसेट हो रहा है और ये काफी खूबसूरत भी है, सो हैव अ लुक। गिव मी अ हैंड, close your eyes, thinking about your beach. So the nation price or the fixed price? When you finish, just open this. What can you make that one like the same? Here she is performing an art. इस बंदे का माइंड रीड करके ये बताने वाली है कि ये क्या सोच रहा था अपने दिमाग में. So this is also a talent. And this guy was thinking about mountains. And she guessed it right and